सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, एक कागज की नाव मुझ में कैसे चल गई। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदि हो चुके हों। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। आज का पंचांग 25 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 12:32 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र दोपहर 1:30 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:10 से 1:35 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 5:58 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 25 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, आप स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से बचने के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल का दौरा कर सकते हैं। आराम करें और आध्यात्मिक चिंतन के लिए समय निकालें। अभी आप नियंत्रित या कटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अपने भय का सामना करके और समझदारी से निर्णय लेकर आप इसके लिए तैयार हो सकते हैं। जीवन का यह समय आपको काम और परिवार के साथ साथ आत्मविश्वास और विश्वास की कमी में करना सिखाएगा। घरेलू मुद्दों और व्यवसाय संबंधित आमदनी के बारे में विचार करेंगे। अपने आप को शांत रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुन्दरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला व्यतीत होगा। कुछ चुनौतियाँ रहेगी लेकिन साथ ही साथ उनके समाधान भी मिलते जाएंगे। निकट संबंधी से मुलाकात होगी। किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे और सफल भी रहेंगे। अपनी योजनाओं का निरीक्षण करते रहें। आगे चलकर आपको महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी प्राप्त होगी। इस कारण काम तेज गति से आगे बढ़ेगा। अभी जो बातें काम के लिए बाधा बन रही है उन्हें दूर करने के लिए सही सुझावों पर ध्यान दें। भागीदारी में किए गए काम की वजह से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। रिलेशनशिप की वजह से जीवन में स्थिरता रहेगी। विवाह संबंधित बातों को गंभीरता से ले पाएंगी। महिलाओं को इन्फेक्शन की तकलीफें भी हो सकती है, ख्याल रखें। सावधानियां, पड़ोसियों के साथ किसी तरह का झगड़ा या कहा सुनी हो सकती है। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों में अपना हस्तक्षेप ना ही करें। युवाओं को राजनीतिक गतिविधियों में गलत प्रवृत्ति के लोगों के साथ दूरी बनाकर रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप किसी रहस्यमय शक्ति को अपने साथ महसूस करेंगे और पाएंगे कि वो आपको शारीरिक व मानसिक समस्याओं से बचा रही है। आपकी कुल पर्सनैलिटी और प्यार भरी बातें आपके साथी को दीवाना कर देगी। बस बहस में ना पड़ी, धोखे और धोखाधड़ी से सावधान रहें। आप निजी लाभ की तुलना में लोगों की सेवा करने में अधिक रुचि रखते हैं। यह जीवन का वो चरण है जब आप काम और परिवार के कार्यों में भी संतुलन बनाए रखेंगे। आपका गुस्सा रोमांटिक रिश्ते को कौशला कर सकता है, लेकिन शांत रहें क्योंकि आपके चार्म से आपका साथी ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे। गैर लाभ के कार्य आपको संतुष्टि के साथ साथ आनंद प्राप्त करेंगे। दीर्घकालीन निवेश आपके भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। डॉक्टर और अस्पताल से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबके आकर्षण का केंद्र आज आप ही हैं। कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन के कारण आपको सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। आपके व्यक्तित्व की कुछ विशेष खूबी सहकर्मियों और अधिकारियों को आपका प्रशंसक बना देगी। भाग्य आपके साथ है लेकिन कड़ी मेहनत करना ना भूलें। कारोबारी मामलों में उथल पुथल रहेगी लेकिन समय अनुसार समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें वरना किसी वजह से प्रॉपर्टी संबंधित कोई बड़ी डील कैंसिल हो सकती है।
बात करती है सेहत की। ज्यादा तनाव की वजह से सिर दर्द और एसिडिटी की समस्या बढ़ेगी, इसलिए सकारात्मक रहें और मस्त रहें। महिलाओं को इन्फेक्शन की तकलीफ भी हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप बुध मंत्रों का जप करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।